हेलो वंडरफुल पीपल, आज का वीडियो बहुत 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 मस्त जगह पे शूट कर रही हूँ। ये है मेरी ससुराल का गांव और मैं आपको एक मेरे सामने चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ। पहले ये देखो, ये गन्ना है दोनों तरफ और ऐसा रास्ता है, ठीक है। और देखो क्या है, मेरे चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, फूड ही फूड और सारी जो फैमिली है वो पीछे वहाँ पे गन्ने चूस रहे हैं। हम बनाएंगे वीडियो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। तो आज क्योंकि हम खेतों में हैं, क्योंकि हम भोजन के आसपास हैं, आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे भोजन के लिए, फूड के लिए। सो थैंक यू यूनिवर्स। एंड बाय द वे, आज है 2 जनवरी 2023। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी इतनी ब्यूटीफुल सृष्टि देने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतने ब्यूटीफुल वेदर देने के लिए, जिसकी वजह से ये सारा जो भोजन है उसकी उत्पत्ति होती है, उसका जन्म होता है इन पौधों का। पौधों से बड़े प्लांट बनते हैं, प्लांट से फिर वो फ्रूट आता है, वो भोजन आता है, वो गेहूँ चावल सब्जियाँ दालें मसाले सब कुछ आता है। और ये हमारे ब्यूटीफुल गन्ने, इनसे शुगर गुड़ शक्कर सब कुछ आता है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी। ये अगर हमारे जो सारे सीजन हैं, अगर पांच तत्व जो हैं, थैंक यू सो मच फाइव एलिमेंट्स जो है, जल वायु अग्नि मिट्टी जो है धरती और आकाश, सभी ये ना हो तो जो है फूड की उत्पत्ति, फूड का जन्म वो पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच इतने सारे वेदर देने के लिए, जो मौसम हवा जो ठंडी मौसम, गर्म मौसम, धूप बारिश, हर जो हमारे नेचुरल मौसम है वो सीजन्स ना हो तो भी फूड जो होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। सो थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे किसान की बेटी और किसान के घर की बहू बनाने के लिए, कि जिसकी वजह से मैं हमेशा अपनी मिट्टी के साथ जुड़ी रही हूँ। मैंने ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड जीरो से हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जब किसी फौजी को बड़े पोस्ट पे भेजा जाता है, उससे पहले उसको ग्राउंड रियलिटी के साथ एक्सपोज किया जाता है। जितना कोई ग्राउंड रियलिटी के साथ एक्सपोज रहता है उतना ही वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाता है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी। पीछे मेरी फैमिली आ रही है कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ। सो थैंक यू सो मच, मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अभी मैं दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल आगे हैं सरसों के खेत। और ये वही सरसों हैं जो सरसों के बीजों को बाद में जब इसकी पूरी फसल पक जाती है, जिससे तेल आता है, वही तेल बहुत सारी दवाइयों में यूज़ होता है, बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स में यूज़ होता है, और वही तेल खाने में भी यूज़ होता है। सो थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये मेरे छोटे देवर हैं और यही हमारे मेरे चाचा जी और सब लोग खेतों में सारा जो काम है वो यही देखते हैं। भोजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ भोजन पकने का और सीड का या खेती का ही काम नहीं, भोजन बनने के बाद हमारे तक पहुंचता है, कितनी कितनी दूर जाकर कितने लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो थैंक यू सो मच उन सभी कंपनीज का, उन सभी ट्रांसपोर्ट के पीपल का, उन रोड बनाने वाली कंपनीज का जिनकी वजह से रोड बनता है, जिनकी वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी की वजह से वो ट्रक्स में और सब चीज़ों में सामान लोड होता है और उसके बाद वो हम तक पहुँचता है। अगर हम शहर में रहते हैं और हम जैसे विदेश में रहते हैं, भारत का उगा हुआ अनाज खाते हैं, भारत की उगी हुई दालें खाते हैं, तो वो सब कुछ हम तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से, वो चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे फिर पानी का जहाज हो। सो थैंक यू सो वेरी मच उन सभी इम्प्लॉयज का जो काम कर रहे हैं दिन रात उस खाने को उगने से लेके हम तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। और इस फैमिली में भी अगर आप एडमिन में भी काम करते हैं लेकिन कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन सीधे या फिर असीधे तौर पर इन सब चीजों के लिए है, तो थैंक यू सो मच माई वंडरनाइल फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच। ये जब एक कोई, मैं ये कहती हूँ कि हर किसी को अपने घर में प्लांट लगाना चाहिए। आप बच्चे को, हम सब में एक प्लांट को लगाते समय सिर्फ एक प्लांट ही नहीं, उससे बहुत सारी शिक्षा आती है। स्पेशली बच्चों को तो ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए। कैसे? एक छोटा सा सीड लगाते हैं, उसका ध्यान रखा जाता है तो वो
प्रून होता है, वो निकलता है उससे आगे पौधा बनता है, फिर वो पौधा एक पत्ता निकलता है और उससे फिर एक बड़ा ट्री बनता है, और फिर अगर वो फल का है, फ्रूट का है, तो उसमें से वो फल या फ्रूट वो देने लगता है, उसकी आउटपुट दिखती है। इससे हमें अपने जीवन में एक प्रोसेस, एक के बाद दूसरी स्टेज को इंजॉय करने का एक्सपीरियंस आता है, पेशेंस आती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि रात को सीड प्लांट किया और सुबह ही वो इतना बड़ा ट्री बन गया। तो बच्चों को उस प्रोसेस के द्वारा, उसी एग्जांपल्स के द्वारा लाइफ की बहुत सारी शिक्षा मिलती है, और केयरिंग होने की फीलिंग आती है, क्योंकि जब आप केयर करते हो प्लांट को, अच्छा केयर करते हो तो अच्छा उसका आउटपुट आता है, और अगर आप अच्छे से उस पर काम नहीं करते हो तो अच्छा नहीं आता। तो बच्चों को उस प्रोसेस का जो है वो अंदाज़ा होता है। वाओ ब्यूटीफुल, आपको ये दिख रहे हैं एकदम से, क्या थे एकदम से, क्या थे आए यहाँ उड़ के कैमरे में, कुछ तो थे। एनीवेज बटरफ्लाई ने दिखी तो वो लोग आ गए ऐसे, है ना। सो थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, आप करना चाहते बातें? अच्छा, यहाँ पे हमारे भगवत जी बातें करना चाहते हैं, बताइए। You can ask, really ask the farmer, you can come every day here if you like this. Okay, नहीं हिंदी में बताओ, इधर आओ, इधर आओ। मुझे हिंदी मैं भूल गया कैसे बताए वो। बताओ आप क्या बताना चाह रहे थे कि आप फार्मर से क्या पूछो? अगर यहाँ ये खाना आना है और ये बहुत टेस्टी है तो यहाँ फार्मर के लिए बहुत रिस्पेक्ट। प्लीज टेल हिम सो मच दैट प्लीज टेल मी ऑन द फार्मर दिस सम। ओके बाय। ठीक है तो हाँ, बच्चों में ये लाइफ लेसन आते हैं। अगर आप किसान फैमिली से हैं या फिर आपके आसपास फार्म्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप वहाँ पर जाके बड़े लेवल पर देख सकते हैं चीज़ें। लेकिन अगर आप एक सिटी में रहते हैं, ऑब्वियसली आपके लिए खेत में जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने घर में, बालकनी में, छत पे, किचन की विंडो में कहीं ना कहीं ज़रूर प्लांट कीजिए छोटे छोटे प्लांट्स, जिससे आप अपने बच्चे को लाइफ लेसन दे पाएँ। आप इस मिट्टी के हाई, इस मिट्टी से बीमार हो जाएंगे ये नहीं, अरे ये मिट्टी वही है जिससे हम बने हैं, और ये मिट्टी वही है जिसके हमें विलीन हो जाना है। ये जो सारी चीजें हैं बच्चों में हम एक दिन बैठकर चौक या पेन से, बोर्ड से नहीं सिखा सकते, बुक से नहीं सिखा सकते, जब तक इस मिट्टी को हम हाथ से फील नहीं करेंगे। विद दिस मैसेज आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप लोग एटलीस्ट एक प्लांट लगाएं, और एक प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे को दें, वो उसी का प्लांट होगा। जैसे बच्चे पेट के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, ऐसे प्लांट्स के साथ भी इंजॉय करते हैं, और नेवर फील कि उनकी एज जो है वो अभी छोटी है, वो नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल बच्चे जो लेसन्स आप देना चाहते हैं वो बिल्कुल ले पाते हैं। इसी के साथ आई विल साइन ऑफ हियर इन माई गन्ने के खेत। लव यू ऑल वंचनारी फैमिली, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए बाय।